बहुत बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक मैं उसको पूछना उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी। तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है, वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें जरा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजेनिक की है, कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बढ़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन आम दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल, अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं।